आपसे डिस्कस करा कि जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, कि एक ब्लू या येलो कलर में बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें दो और जो है हमारी और स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करी गई है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आए तो समझना किस तरीके से। प्लाज्मा का मतलब सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ठीक, अब ये तो वैसे तुम्हें समझ नहीं आया होगा, सिर्फ डेफिनेशन लिख ली। अब इसे समझोगे कैसे, देखो कि अगर मेरे पास नियॉन बल्ब है या फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ठीक, तो इनके अंदर नियॉन गैस है नियॉन बल्ब में, फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस है। ठीक, अब धीरे धीरे समझो, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो मेरी इन हीलियम गैस या नियॉन गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, आयनाइज गैसेस हो जाती हैं, प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है और उस प्लाज्मा में से ग्लो निकलता है। हर एक गैस की अलग क्वालिटी होती है कि वो अलग कलर का प्लाज्मा फॉर्म करेगा और उसकी अलग फ्लोरोसेंस होगी। ठीक, तो उस केस में हमारा प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा। अब सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल क्यों लिखा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इस तरीके समझो, जैसे हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो काम कर रही है कि इन पार्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी तक पहुँचा देगी, तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होंगे कि वो हीट का लाइट का रेडिएशन हमें शो होने लगेगा, तो नियॉन गैस और हीलियम गैस में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक, अब जो फिफ्थ टाइप है वो है हमारे पास बोस एंडर्सन कंडेंसेट। इसको एक कंडीशन पे रख के निकाला गया कि अगर मैं एक गैस ले लूँ जिसकी कूलिंग करूँ, देखो गैस की कूलिंग करूँगा लिक्विड बनता है, लेकिन गैस कैसी, जिसकी डेंसिटी बहुत लो हो। अब हमें पता है कि सब सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है। अब ये ऐसी गैस लेने की बात कर रहे हैं आपसे कि ऐसी गैस लो जो कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की हो। अगर हम बात करें तो 100 या फिर 1000 ऑफ डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, मतलब बहुत ही कम डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत ही कम मास है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है। तो उस केस में अगर हम कूलिंग गैस पर कूलिंग करें उस गैस को एट सुपर लो टेम्परेचर, मतलब जीरो से बहुत ही कम नेगेटिव में जाके टेम्परेचर को इतना कूल करें, ठंडा कर दें या फ्यूज कर दें, फ्रीज कर दें, तो हमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होता है। इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को अचीव भी करा जा चुका है, एक साइंटिस्ट को 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस स्टेट का फॉर्मेशन करने में, क्योंकि जो बोस थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट और आइंस्टीन ने इसकी थ्योरी दी थी कि हम एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर हम एक ऐसी गैस ले जिसकी बहुत ही कम डेंसिटी है, 100 या 1000 पार्ट है, तो और वो नॉर्मल एयर का इतना पार्ट है, तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है इसका फॉर्मेशन करने के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला है ना 2001 में। तो इसको अचीव कैसे करा, डेंसिटी ऐसी नॉर्मल एयर से कम रखेगी 100 या 1000, और उसको जब सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करा गया तो मुझे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिला, और ये हाइड्रोजन गैस का हमने डिस्कस कर लिया। तो नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर यहीं तक था। अब जो इसके क्वेश्चंस आते हैं हम उसके लिए एक वीडियो मैं उसकी बना दूंगा, आप उसे पूरी देख लेना, कोई फिर भी डाउट है। अभी आपके लिए ये काम है कि जो ये चैप्टर पूरा पढ़ा है इसकी सारी वीडियोस लेक्चर देखो, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं लास्ट वीडियो जो बनाऊँ वो उसमें सारे कमेंट्स कवर हो जाए। तो हमारी वीडियो को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।